पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस पहुंचे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जजपा सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा सरकार का हाजमा बहुत तेज हो गया है। उन्होंने इलीगल माइनिंग के भी आरोप सरकार पर लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, किसानों की खराब फसल की गिरदावरी नहीं की गई। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कोई भी घोटाला हो मौजूदा सरकार उस पर कमेटी गठित कर देती है, लेकिन कोई नतीजा सामने अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम विपक्ष आपके द्वार कोरोना महामारी के चलते फिलहाल स्थगित किया गया है और जैसे ही तीसरी लहर खत्म होगी उनका यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। हमारा कार्यक्रम क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब ऐसी सरकार की भी है और सबके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए ये फैसला किया हमने कि ये कार्यक्रम जब पहला खुलने के बाद पहला जो इतवार आएगा उस दिन हम उद्यान कुरुक्षेत्र में करेंगे इस कार्यक्रम। इसी वास्ते मैं आप लोगों के साथ आए थे यहाँ क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। आज हरियाणा बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने देखिए जो लूट मचा रखी जो खुली लूट है, इनका हाजमा इतना तेज हो गया है, रेत भी जमुना का हजम, डाडम और नागल चौधरी के पहाड़ भी हजम, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। इस प्रकार से इस जो कमाई प्रदेश को आने की विकास के लिए वो माइनिंग माफिया खा रहा है और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं स्वयं डाडम गया था, वहां मैंने देखा इतनी बेरहमी से वो किया है कि कई सौ फुट नीचे है खोद दिया गया जब खोद नहीं सकते थे। ट्रक चल रहे हैं वहां कई आदमियों की मृत्यु हुई, अब तक 302 का केस रजिस्टर नहीं हुआ। भाई जो उसके जिम्मेवार कौन है ये करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 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 पहले शराब का वो हुआ स्कैम हुआ शराब में यूनिवर्सिटी में जब कह दिया कि वह SIT बना दी लेकिन उसकी क्या रिजल्ट हुआ आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ उसमें कोई आदमी नहीं। आपका कर्म धान का घोटाला हुआ कोई वो नहीं। जो नौकरियों का घोटाला हुआ जो नौकरियों में लूट मची है HPSC में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको? जब ये कहते हैं हमारे तक कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है ये? क्यों नहीं CBI को दे रहे हाईकोर्ट के जज के उसमें सुप्रदिन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई हमने इतना कंपनसेशन दे दिया जो पीछे फसल खराब हुई थी सेप्टेम्बर अक्टूबर में उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन दिया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई किसान की, खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप स्वयं देख रहे कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है सारे फैसले इनके।